आज के लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। अब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है। सो हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी लाइट को इंसिडेंट करते हो एक बाउंड्री पे, तो सम पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये सेम मीडियम में वापस आ जाती है। सो जिस मीडियम में आपकी इंसिडेंट लाइट है उसी मीडियम में ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। बट व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का और एक नाम होता है रिफ्रैक्शन। यहां पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो होती है वो अपना मीडियम चेंज करती है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नाउ बिकॉज इट चेंजेस इट्स मीडियम, इसका जो पाथ है वो पाथ सेम नहीं रहता, देयर इज सम डेविएशन इन द पाथ। ओके, सो वी नो टू थिंग्स नाउ। व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री, सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, और हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बाउंड्री खुद अब्सॉर्ब कर देती है। सो व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस और ऑन अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड एंड सम पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब। Now if we compare the two things, let's say the ray of light, it is traveling in medium 1. Now when the ray of light is traveling in medium 1, let's say the velocity of light is v1. Okay, or when the wave is traveling in medium 1, let's say the velocity of the wave is v1. Now when the wave changes medium, लेट से इट्स वेलोसिटी नाउ बिकम्स v2, क्योंकि हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट की जो रे की जो वेलोसिटी है या वेव की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। नाउ लेट अस अज्यूम दैट मीडियम 1 में वेलोसिटी इज मोर एंड मीडियम 2 में वेलोसिटी इज लेस। ओके, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। Now, जिस भी मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है उस मीडियम को कहा जाता है रेयरर मीडियम, एंड जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होती है उस मीडियम को कहा जाता है डेंसर मीडियम। टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, कैसे याद रखोगे, अब जैसे आप लोग मान लो चल रहे हो तो हवा में चलना सिंपल होता है, एयर में नॉर्मली वॉक करना इट इज सिंपल। बट उसी कंपेरिजन में अगर जो मैं आपको बोलूं कि पानी में चलो आप, तो पानी में चलना डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। सो सिमिलरली जहां पे वेव की स्पीड ज्यादा होती है दैट बिकम्स द रेयरर मीडियम, जहां पे वेव की स्पीड कम हो जाती है दैट बिकम्स द डेंसर मीडियम। ओके, नाउ एज मीडियम चेंजेस आई नो दैट वेलोसिटी चेंजेस, बट व्हेन वी टॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने यह पहले पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो दोनों मीडिया में फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल रिमेन सेम, सो इसलिए फ्रीक्वेंसी वुड बी एफ एंड दिस विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अच्छा, नाउ आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वेव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपकी जो वेव लेंथ है वो वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगी। इस मीडिया के अंदर, इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो है वो आपकी ज्यादा है, वेलोसिटी इज मोर, सो वेव लेंथ विल ऑल्सो बी मोर, एंड इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी इज लेस सो वेव लेंथ विल ऑल्सो बी लेस। सो व्हेनेवर मीडियम चेंजेस वेव लेंथ ऑल्सो चेंजेस। ओके, अगेन रेयरर मीडियम में वेव लेंथ ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में जो है वेव लेंथ कम हो जाती है। एंड फाइनली हमारा जो वेव इक्वेशन आता है उस वेव इक्वेशन में के ये टर्म आता है, के इज कैलकुलेटेड एज 2π/λ, सो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। सो अगेन सिंस एंगुलर वेव नंबर डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ, हमारा एंगुलर वेव नंबर भी दोनों मीडियम के लिए डिफरेंट होगा, K1 एंड K2। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर अ वेरी वेरी सिंपल केस, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स से देर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज प्रेजेंटली इन मीडियम 1, इसको लेट मी राइट दिस एज मीडियम 1 एंड लेट मी राइट दिस एज मीडियम 2।
Now I know this. Let's say ये जो wave है, this wave is incident in medium one. ये medium one में इस wave को हम लोगों ने incident किया हुआ है. Now this is the boundary जो दोनों media को separate कर रही है. Now some part of the wave will be transmitted and some part of the wave will be reflected. Okay. Now जो wave transmit हो रही है वो दूसरे medium में जा रही है. एंड जो वेव का पार्ट है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इट इज अगेन गोइंग बैक इन मीडियम वन. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो तीन वेव्स है, एक इंसिडेंट वेव, एक रिफ्लेक्टेड वेव एंड एक ट्रांसमिटेड वेव, इन तीनों वेव्स का हमें इक्वेशन लिखना है. तो लेट से इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, वाई आई इज इक्वल टू ए आई विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इन टू साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स. अच्छा, बिकॉज ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करी है ये ओमेगा टी माइनस के वन एक्स हो जाएगा. हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये सेम मीडियम में, सेम मीडियम में तो आपका के वन जो टर्म है दैट वुड रिमेन सेम. सो जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका इक्वेशन लिखा जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के वन एक्स. अच्छा, ओके. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसमिटेड वेव, हम जब ट्रांसमिटेड वेव की बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसमिटेड वेव का जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखा जाएगा एटी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स. ही मीडियम चेंज हो रहा है तो के का टर्म चेंज हो जाएगा एंड बिकॉज ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है हम लोग ओमेगा टी माइनस के टू एक्स ये इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे. नाउ जो वेव होती है ये वेव हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए. कंटिन्यूअस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वेव इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. अब मान लो वेव कहीं पे ब्रेक हो जाती है तो उसका मतलब उस पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर ब्रेक हो गया. नाउ विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, एनर्जी ट्रांसफर हमेशा कंटिन्यूअस होता है. सो सिंस एनर्जी ट्रांसफर इज कंटिन्यूअस हमारा जो वेव फॉर्म है दैट वेव फॉर्म शुड बी कंटिन्यूअस. सो नॉर्मली आप किसी भी एक मीडियम के अंदर देखोगे, लेट्स से मीडियम वन या मीडियम टू, तो हमारा ये जो वेव फॉर्म है ये कंटिन्यूअस होगा. दिस वेव वुड कंटिन्यूअसली ट्रेवल, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा. हमें बस ये इंश्योर करना है कि बाउंड्री पे भी कोई ब्रेक ना आए, देयर शुड नॉट बी एनी डिसकंटिन्यूटी ऑन द बाउंड्री. अभी हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे, तो बाउंड्री के बहुत पास में मैं दो पॉइंट्स कंसिडर करता हूं. वन इज द पॉइंट पी विच इज इन मीडियम वन, सेकेंड इज द पॉइंट क्यू विच इज इन मीडियम टू. बहुत ही पास में, ये x इक्वल टू जीरो के बहुत दोनों पास में पॉइंट्स हैं. नाउ ये जो पॉइंट p है, ये जो पार्टिकल p है, ये पार्टिकल p इज गेटिंग अफेक्टेड बाय टू वेव्स. वन योर इंसिडेंट वेव विच इज ऑल्सो इन मीडियम वन, सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्टेड वेव विच इज ऑल्सो इन मीडियम वन. तो ये जो पार्टिकल p है इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू y i plus y r. It is displacement due to incident wave plus displacement due to reflected wave. Now when we talk of point q which is in medium 2, तो medium 2 में बस एक ही तो वेव है, that is our transmitted wave. तो इसका जो displacement होगा y q will only depend upon y t, basically transmitted wave displacement due to transmitted wave. नाउ वेव फॉर्म हमारा हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस मतलब आपका वेव फॉर्म जो है वो इस तरह से कंटिन्यूअस होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक. सी ये साइड पे कोई ब्रेक नहीं है, ये साइड पे भी कोई ब्रेक नहीं होगा, आपको बस इंश्योर करना है यहां पे भी कोई ब्रेक ना आए. नाउ ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेव फॉर्म है इट इज बेसिकली सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड. राइट हैंड साइड वाला जो वेव फॉर्म है इट इज ओनली योर ट्रांसमिटेड वेव. ओके, हम लोगों ने एक पॉइंट चूज किया था विच वॉज ऑन लेफ्ट साइड, सेकेंड पॉइंट जो चूज किया था विच वॉज ऑन राइट साइड. सो वॉट वी आर सेइंग इज इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक. और इन अदर वर्ड्स ये जो बाउंड्री पे पॉइंट है, इस बाउंड्री पे ये जो पॉइंट है विच इज प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री, तो ये जो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू दीस waves and due to this wave should be same. Now iska displacement equal hai, so let me write this as yp is equal to yq, roughly yp is equal to yq. So okay, so since yp is equal to yq,
वाई पी को हम लोग लिखेंगे वाई आई प्लस वाई आर एंड वाई क्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू इसको लिखेंगे हम लोग वाई टी. ओके सो फाइनली हमें ये मिलेगा वाई आई प्लस वाई आर इज इक्वल टू वाई टी. दिस इज बेसिकली एट एक्स इक्वल टू जीरो एट द बाउंड्री. ओके नाउ वाई आई के जगह पे लेट मी पुट दिस इक्वेशन, वाई आर के जगह पे लेट मी पुट दिस इक्वेशन एंड वाई टी के जगह पे आई पुट दिस इक्वेशन. तो जब मैं ये इक्वेशन पुट करता हूं सो वॉट डू आई गेट, वाई आई आई हैव पुट दिस प्लस वाई आर उसके जगह पे आई हैव पुट दिस इज इक्वल टू वाई टी जिसके जगह पे आई हैव पुट दिस. नाउ एट एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज ट्रू एट एक्स इक्वल टू जीरो. सो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो वॉट विल आई गेट, आई गेट दिस, ये टर्म हट जाएगा हर एक केस में से. सो हर एक केस में बस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी रह जाएगा. नाउ इफ आई कैंसल दिस आउट मुझे जो मिलेगा दैट विल बी ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ओके अब सेकेंड इक्वेशन हमें यहां से मिलता है. इफ यू लुक एट टू पॉइंट, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट पी इज इन मीडियम वन पॉइंट क्यू इज इन मीडियम टू. यहां पे वेव फॉर्म कंटिन्यूअस है. एट द सेम टाइम बिकॉज दीज टू पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहां पे और यहां पे स्लोप भी आपका सेम होना चाहिए. कहीं पे भी देर शुड नॉट बी सडन चेंज इन द स्लोप. सो स्लोप एट पॉइंट पी एंड स्लोप एट पॉइंट क्यू शुड बी इक्वल. सो लेट मी राइट इट दिस वे, स्लोप एट पी इज इक्वल टू स्लोप एट क्यू. नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप, हमें यह पता है कि स्लोप इज फाउंड आउट एज डी वाई पी बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई क्यू बाय डी एक्स. नाउ वाई पी हमें यह पता है कि डी बाय डी एक्स, वाई पी कैन बी रिटर्न एज वाई आई प्लस वाई आर एंड वाई क्यू कैन बी रिटर्न एज वाई टी. नाउ हमारे पास वाई आई, सो आई कैन स्टिल राइट दिस एज, इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, डी वाई आई बाय डी एक्स प्लस डी वाई आर बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई टी बाय डी एक्स. नाउ इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हमारे पास है, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हमारे पास है, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन हमारे पास है. ये तीनों वो इक्वेशन है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव. अब अगर जो आप इनका डेरिवेटिव देते हो तो वॉट यू वुड गेट इज, इंसिडेंट वेव का जब आप डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको मिलेगा माइनस ए आई इंटू के वन इंटू साइन, सॉरी ये हो जाएगा कॉस. माइनस ए आई इंटू के वन इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स. सेकेंड टर्म डी वाई आर बाई डी एक्स, दिस वुड बिकम प्लस ए आर इंटू के वन इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस के वन एक्स. दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो थर्ड टर्म है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई टी, दिस इज इक्वल टू माइनस ए टी इंटू के टू कॉस ओमेगा टी माइनस के टू एक्स. और ये सारी चीजें हम लोग एट एक्स इक्वल टू जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं. सो एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ यू पुट एक्स एज जीरो आपको हर एक टर्म बचेगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड यहां पे भी कॉस ओमेगा टी जिसको आप कैंसल आउट कर सकते हो. सो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी माइनस ए आई इंटू के वन प्लस ए आर इंटू के वन माइनस ए टी इंटू के टू.
माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आई कैन गेट दिस एज के वन इंटू ए आई माइनस ए आर, दिस इज इक्वल टू ए टी इंटू के टू. सो आई कैन राइट ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू के टू अपॉन के वन इंटू ए टी. सिमिलरली हमें ऑलरेडी ऊपर एक इक्वेशन मिला हुआ है ए आई प्लस ए आर, उसको भी हम लोग यहां पे लिख देते हैं. सो दिस वुड बिकम ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी. ओके, नाउ इफ आई सिंपली टेक द रेशियो इन दिस केस व्हाट विल आई गेट, ए आई माइनस ए आर, ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी, और ए टी कट हो जाएगा, यू विल गेट दिस एज के टू अपॉन के वन. इफ यू डू कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑफ दिस आपको ये मिलेगा ए आई बाय ए आर, दिस इज इक्वल टू के टू प्लस के वन डिवाइडेड बाय के टू माइनस के वन. ओके, नाउ वी नो दैट k can also be written as, k can be written as 2 pi by lambda, or k can also be written as omega by v. So हमें जो ये equation मिला हुआ है we have got this as k2 plus k1, तो k2 के जगह पे मैं omega upon v2 लिख सकता हूं, k1 के जगह पे omega upon v1 लिख सकता हूं. So I'll get ए आई बाय ए आर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय के टू प्लस ओमेगा बाय वी टू अपॉन ओमेगा बाय वी वन डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय वी टू माइनस ओमेगा बाय वी वन. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस इवेंचुअली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ए आई बाय ए आर, this is equal to v1 plus v2 divided by v1 minus v2. So I have made one silly error. हम लोग वापस पीछे जाते हैं, हमें ये इक्वेशन मिला था ए आई माइनस ए आर अपॉन ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू के टू बाय के वन. अब जब कंपोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो k2 प्लस k1, ये हमें k1 माइनस k2 मिलेगा. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन रॉन्ग. सो व्हाट आई गेट इज ए आई बाय ए आर, ए आई माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए आई प्लस ए आर, दिस इज इक्वल टू k2 अपॉन k1. Now when you do component or dividend of this, what you would get is AI plus, पहले मैं reciprocal देता हूँ, AI by plus AR minus AR, this is equal to K1 by K2. Therefore, now if you do component or dividend, this would become AI divided by AR, this is equal to K1 plus K2 divided by K1 minus K2. Now, if I want AR, AR can be written as K1 minus K2 divided by K1 plus K2 into AI. Now, I know that K can be written as, we know that K, हम लोग कैसे लिख सकते हैं? K can be written as omega by V. So, K1 can be written as omega by V1. K2 can be written as omega by V2. So when you rearrange this, आपको ये मिल जाएगा V2 minus V1, V2 plus V1 into AI. So now let's say this is our medium boundary. यहां पे right hand side पे let's say we have medium 2. And left hand side पे let's say we have medium 1.
यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है. लेट्स से इफ मीडियम टू इज अ डेंसर मीडियम, इफ दिस इज अ डेंसर मीडियम वेलोसिटी वी टू विल बी लेस, एंड ये अगर जो हमारा रेयरर मीडियम है वी वन विल बी मोर. नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय वी टू माइनस वी वन. अगर जब वी टू लेस है तो वी टू माइनस वी वन नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा. सो अगर जो आपकी इंसिडेंट वेव जो है, मान लो ये बाउंड्री है, इंसिडेंट वेव अगर जो बाउंड्री पे ऐसे हिट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इस तरह से वापिस आएगी. सो इन दिस केस देर इज अ फेस चेंज ऑफ 180 degrees. पाई रेडियंस का फेस जो है वो चेंज हो जाएगा, फेस चेंज ऑफ पाई रेडियंस. सो आई कैन से वन थिंग, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, क्योंकि ये साइड पे डेंसर मीडियम है ना, सो व्हेन एवर वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम देर इज फेस चेंज ऑफ 180 degrees. फेस चेंज ऑफ 180 degrees. अब इसका उल्टा क्या होगा? मान लो कि आपका मीडियम टू रेयरर मीडियम होता, रेयरर होता तो उस केस में वी टू ज्यादा होती. सो वी टू माइनस वी वन पॉजिटिव होता तो आपका ए आर भी पॉजिटिव आता. पॉजिटिव आता मतलब अगर जो वेव ऐसे आ रही है तो ऐसे ही वेव वापस जाएगी, उस केस में कोई फेस चेंज नहीं होगा. सो इफ आई हैव टू राइट दिस, लेट मी राइट इट दिस वे. रिफ्लेक्शन के केस में व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज अ फेस चेंज ऑफ 180 degrees. 180 degrees से फेस चेंज होता है. बट अगर जो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अगर जो हमारा रेयरर मीडियम है, व्हेन द रिफ्लेक्शन happens from rarer medium or at rarer medium there is no phase change, आपका phase change जो होगा वो 0 degrees होगा. So now we know that AR is equal to V2 minus V1 divided by V2 plus V1 into AI. अब हमें AT find out करना है. Now AT हम लोगों ने पहले एक equation लिखा था, it is AR plus AI. सो ए आर के जगह पे लेट मी पुट दिस वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन प्लस वन टाइम्स ए आर. सो वॉट विल गेट इज इट, दिस इज इक्वल टू टू वी टू अपॉन वी टू प्लस वी वन इंटू ए आर. नाउ यू कैन सी दैट यहां पे कोई प्लस माइनस का टर्म कुछ भी नहीं आ रहा. सो AT की जो साइन होगी इट विल बी सेम एज AI की साइन. सो इफ दिस इज आर मीडियम बाउंड्री, यहां से वेव ऐसे आ रही है तो ये इसी तरह से आगे जाएगी, मतलब इट विल गो. इसका फेस जो होगा, इसका फेस कोई चेंज नहीं होगा, उसका फेस जो होगा वो सेम रहेगा. देयर इज नो फेस चेंज एज सच इन दिस केस. लेट से वेव जो है वो मीडियम वन से इंसिडेंट हो रही है बाउंड्री पे, एंड हम लोग ये मान के चलते हैं कि मीडियम वन हमारा रेयरर मीडियम है. अगर जो ये रेयरर मीडियम है तो यहाँ पे वेलोसिटी विल बी मोर. लेट से मीडियम टू इज अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे वेलोसिटी वुड बी दिस. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. नाउ टू वी टू अपॉन वी टू प्लस वी वन, दिस कैन बी रिटन एज, सो आई कैन राइट एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव दिस इज इक्वल टू वी टू प्लस वी टू डिवाइडेड बाय वी टू प्लस वी वन टाइम्स ए आई. नाउ इफ वी टू इज लेस तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर के कंपेरिजन में कम होगा. अगर जो आपका न्यूमरेटर इज लेस तो उस केस में आई कैन राइट ए टी विल बी लेस देन ए आई. सो वेन द वेव गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वेन द वेव गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इन दिस केस द एम्पलीट्यूड रेड्यूसेस, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है.
वैसे ही इसका उल्टा क्या होगा, अगर जो वेव डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो जो एम्पलीट्यूड होगा दैट वुड इंक्रीज. टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स कंसिडर टू स्ट्रिंग्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. एक इतनी थिक है एंड दूसरी का थिकनेस ज्यादा है. ओके, नाउ यहां पे हमें ये पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू. लेट्स से ये दोनों स्ट्रिंग्स को हम लोग इस तरह से क्लैंप करते हैं. नाउ दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होगा. नाउ बिकॉज दिस इसका मास पर यूनिट लेंथ फॉर दिस स्ट्रिंग म्यू इज दिस एंड फॉर दिस स्ट्रिंग म्यू इज मोर, ये ज्यादा थिक है. ओके, सो इफ म्यू इज दिस फॉर दिस, इफ म्यू इज मोर तो वेलोसिटी वी नो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, सो यहां पे वेलोसिटी विल बी मोर एंड यहां पे वेलोसिटी विल बी लेस. If velocity is more, this will become our rarer medium and this will become our denser medium. Now, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है, जब wave rarer medium से denser medium में जाती है तो जो amplitude होता है वो कम हो जाता है. So, amplitude कम हो जाता है तो इस केस में, let's say यहां पे मान लो मैं wave ऐसी बना रहा हूं, तो जब wave यहां पे जाएगी तो उसका amplitude कम हो जाएगा. Amplitude would be this. So I hope you have understood this. यहां पे amplitude is more and ये जो transmitted wave है इसका amplitude this होगा. This will behave like boundary. ये हो जाएगी हमारी boundary. So अब आपको बस दो relationships याद रखना है. एक ये transmitted wave का amplitude इस तरह से calculate किया जाता है and दूसरा reflected wave का जो amplitude है वो इस तरह से calculate किया जाएगा. Have to remember this. And इसके basis पे फिर आप questions answer कर सकते हो. हम लोगों ने ये देखा है कि जब reflection denser medium से होता है तो phase change जो होता है वो 180 degrees का होता है. Denser medium को हम लोग कई बार rigid end या fixed end करके कहते हैं. Okay. जब reflection rarer medium से होता है तो उस case में कोई phase change नहीं होता, तो वेव जैसे जा रही है वैसे ही वो वापस आएगी. देयर वोंट बी एनी इन्वर्जन, वेव उल्टी नहीं होगी. नाउ रेयरर मीडियम को कई बार हम लोग फ्री एंड, ये रोप्स के केस में हम लोग कई बार यूज करते हैं ये टर्म, फ्री एंड कहा जाता है. हम लोगों ने ट्रांसमिशन में देखा था जब वेव रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है ट्रांसमिटेड वेव का, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है. सो आई राइट इट ओवर हियर, AT is less and AT is more. So now you can remember this. AI होगा. So rarer medium में amplitude ज्यादा होता है, denser medium में amplitude अपने आप से कम हो जाता है. Amplitude reduces. Okay. And हम लोगों ने फिर ये example किया था एक. Thank you. यहां पर यह lecture खत्म होता है.